लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर व मलिहाबाद के विधायक जय देवी के पुत्र पर चली गोलियां, अपराधी आदर्श हुआ गिरफ्तार। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के पुत्र आयुष को देर रात लगभग 1:30 बजे मड़ियाव थाना क्षेत्र के छठी मील के पास, जब वह अपने साले आदर्श के साथ घर से बाहर घूम रहे थे, तभी उनके ऊपर गोलियों की बौछार हो गई। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स व पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। मड़ियाव थाना पुलिस ने उनके साले आदर्श को लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। आदर्श ने अपने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मेरे बहनोई आयुष ने 5 लोगों को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाई थी। 3 नाम उसने बताए हैं, चंद्र गुप्ता, मनीष जायसवाल, प्रदीप कुमार। पुलिस में आदर्श को गिरफ्तार कर लिया है और आयुष की पत्नी से पूछताछ जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन से आयुष अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। क्या पूरा मामला? मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था, तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी समझ में आने में हमने कोई तहरीर नहीं ली। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। सांसद जी, घर से क्या करने निकले थे देर रात, क्या करने निकले थे और इनके साथ में और कौन थे, किस चीज़ से निकले थे, कैसे क्या घटना हुई थी? वो बता रहा कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया। लेकिन इस संबंध में अभी वो जोरसा की बच्चे से मैंने बात किया है, लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं कौन है, दौड़ाया तो हम लोग भागे, गिर गए तो एक लड़के ने उसको। सांसद जी, कितने लड़के रहे होंगे जो गोली मारने आए? ये तो नहीं पता है, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे, 2-3 लोगों को पता है। सांसद जी, एक सवाल, जैसे लगातार आप सांसद रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था खराब, कानून व्यवस्था को लेकर कई बार आपने प्रदर्शन भी किया है और इस तरह की घटना आपके लड़के के साथ हुई है, इस पर किस तरह? अब ये बात मेरे लड़के या किसी की उसकी नहीं है, मुझे पुलिस ने फौरन इस पर एक्शन लिया, तत्काल जैसे मालूम हुआ वैसे पुलिस उनको लेके आई, एडमिट कराया और पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है इसमें, पूरा सहयोग कर रही है और अभी घटना की जांच भी पुलिस कर रही है। अभी परिवार का कौन सदस्य साथ में था? परिवार का सदस्य उनका खुद जो है मेरे लड़के का जो आयुष है उसका साला था। उसे इसकी शादी हो चुकी है क्या? शादी उसने अपनी मर्जी से किया। थाना मड़ियाव में देर रात सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी के बेटे के ऊपर फायरिंग हुई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने की पुलिस तत्काल मौके पर गई और पीड़ित को ट्रामा सेंटर के जीमो लेके गई, जहां उसका उपचार किया गया और मॉर्निंग में उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बाद में पुलिस ने अपनी छानबीन की तो पता चला कि सांसद जी के बेटे के ऊपर जो फायर आर्म इंजरी आई है वो उसके बेटे द्वारा ही अपने साले के माध्यम से कराई गई है। बाद में उसकी निशानदेही पर पिस्टल, मय कारतूस और मय खोखा बरामद किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।